एशियन फूड जो है वो किस सूरत में होगा? कर्व्स में होगा, कर्व, कर्व ना कहे इसको, वेव की सूरत में कहे, वेव होगा। वेव्स में। अगर एक जी वेव का डिस्प्ले आ रहा है तो मतलब है कि एसी इनपुट है, और अगर स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है तो मतलब है डीसी इनपुट है। ठीक है, जी चलिए जी यहाँ तक बात हो गई, बाकी चलते हैं। अब फर्ज करें कि अगर हमने डीसी इनपुट दिया हुआ है, ठीक है, फर्ज करें हमने डीसी इनपुट दिया हुआ है भाई, जैसे कि आपको बताया कि डीसी इनपुट में क्या होगा, डीसी इनपुट में आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आएगी, सीधी ये सीधी लाइन नजर आ रही है डीसी इनपुट। तो डीसी इनपुट का मतलब ये हुआ कि आपको एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है। अब जब आपको डीसी इनपुट दिया जाता है तो उसमें आप मेजर क्या करते हैं, उसमें आप मेजर वोल्टेज करते हैं, जब डीसी इनपुट का वोल्टेज कितना है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट करें कि अगर ये सीआरओ का डिस्प्ले है, ये सीआरओ की स्क्रीन है आपकी, ठीक है, अभी सीआरओ की स्क्रीन है आपकी, ये सेंट्रल लाइन है, और ये वर्टिकल एक्सिस आपकी वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस। अब आप एक डीसी इनपुट देते हैं और आपका इनपुट वोल्टेज इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, तो आप क्या देखेंगे, सिंपली आप सिंपली वाई गेन देखेंगे। वाई गेन आपका सेट होता है वोल्ट्स पर डिवीजन। वाई गेन की वैल्यू आपने सेट की हुई है 3। वाई गेन की वैल्यू कितनी सेट की हुई है? 3 सेट की है। अब वाई गेन की वैल्यू जो आपने 3 सेट की हुई है इसका मतलब क्या है? वाई गेन की जो वैल्यू आपने 3 सेट की हुई है इसका मतलब ये है कि भाई आपका वर्टिकल एक्सिस पर जो एक डिवीजन है, आपका वर्टिकल एक्सिस पर जो एक डिवीजन है वो 3 वोल्ट के बराबर है। आपका वर्टिकल एक्सिस पे एक डिवीजन जो है वो 3 वोल्ट के बराबर है, इसका ये मतलब। ठीक है, तो अब आप देखें आपका जो वोल्टेज आ रहा है, डीसी वोल्टेज की लाइन जो आ रही है वो सेंटर की लाइन से कितनी ऊपर आ रही है। ठीक है, आपको जो डीसी वोल्टेज की लाइन आ रही है वो सेंटर की लाइन से कितना ऊपर आ रही है? तो आपको डीसी वोल्टेज की लाइन जो सेंटर की लाइन से 1, 2, 3 डिवीजन ऊपर आ रही है। ठीक है, तो जो आपका वोल्टेज है यहाँ पर डीसी वोल्टेज, एक्सक्यूज मी, तो जो आपका वोल्टेज है वर्टिकली वो 3 डिवीजन ऊपर आ रहा है। आपने जो डीसी इनपुट दिया हुआ है, डीसी इनपुट का जो वोल्टेज है वो 3 डिवीजन से ऊपर आ रहा है, और वर्टिकली एक डिवीजन आपकी 3 वोल्ट के बराबर है। ठीक है, तो आपका वोल्टेज कितना बनेगा? 3 × 3, क्योंकि एक डिवीजन की वैल्यू 3 वोल्ट है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 9 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका डीसी जो वोल्टेज है वो कितना है? वो 9 वोल्ट है, क्योंकि डिवीजन में आप देखें, डिवीजन में आपका वोल्टेज जो है 3 डिवीजन ऊपर आ रहा है, और एक डिवीजन हमारे स्केल के हिसाब से 3 वोल्ट के बराबर है। यहाँ पर डीसी इनपुट कितना हुआ आपका? 9 वोल्ट हो जाएगा। और देखें, फर्स्ट करें आपकी सेंट्रल लाइन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब आपका वोल्टेज जो है वो फर्स्ट करें, ये आपकी वोल्टेज की लाइन आ रही है, ये आपका डिस्प्ले आ रहा है, ठीक है, ये आपका डिस्प्ले आ रहा है, और जो वाई गेन हमने सेट किया हुआ है वो कहाँ पे सेट किया हुआ है? वाइगेन आपका वोल्ट पर डिवीजन में, वाइगेन आपने सेट किया हुआ है 2 पे, तो अगर आपने वाइगेन 2 पे सेट किया हुआ है तो बताइए कितना वोल्टेज है इस वक्त? हाँ भाई, वाइगेन अगर आपने 2 पे सेट किया तो बताइए कितना वोल्टेज है इस वक्त?
ऑलराइट सही, आप सब लोग आंसर सही है, ये 5 वोल्ट है। तो देखें इस वक्त जो आपको वोल्टेज नजर आ रहा है, यानी कि आपको जो एसी वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज सॉरी, वो 2.5 डिविजन्स पे आ रहा है। जो आपको डीसी वोल्टेज आ रहा है वो 2.5 डिविजन्स पे आ रहा है, और आपके स्केल के हिसाब से आपकी एक डिविजन जो है वो दो, आपकी एक डिविजन जो है वो 2 वोल्ट के बराबर है, आपके डिविजन जो है 2 वोल्ट के बराबर है। तो लिहाजा यहाँ पर जो है आपका वोल्टेज बनेगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। तो ये आपको डीसी वोल्टेज तो कितना है 5 वोल्ट। ठीक है, अब हम जरा बात कर लेते हैं एसी में, यानी कि अगर आप जो है वो अपने सीआरओ को अगर आप एसी इनपुट दें तो फिर क्या होगा। अब देखें अगर आप अपने सीआरओ को अगर आप एसी इनपुट देंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपको एक वेव नजर आएगी। जाए हाँ सर एक सवाल पूछना है बोलो। सर, डीसी इनपुट में अगर जैसे अभी ओरिजिन से पॉजिटिव वाई एक्स साइड पे बना था वोल्टेज, अगर नेगेटिव वाई साइड पे बनेगा तो किस तरह होगा? कुछ नहीं होगा, नेगेटिव साइड पर अगर बनेगा तो उसका वैल्यू भी वही आएगी, असल में उसका मतलब ये होगा कि आपने पोलैरिटी उल्टी कर दी होगी, यानी फर्ज करिए सॉरी फर्ज करें कि ये सीआरओ का इनपुट है, अब ये दो नॉब है। ठीक है, अब सीआरओ के आपने जो डीसी इनपुट ना, आपने आपने एक तार यहाँ पे लगाया, एक तार यहाँ पे लगाया, अभी दोनों तार यहाँ लगाने से आपका वोल्टेज 5 वोल्ट आ रहा था। ठीक है, दोनों तार लगाने से आपका वोल्टेज 5 वोल्ट आ रहा था, ये आपका रेड वाला तार था, ये ब्लू वाला तार था, मिसाल के तौर पर आपका वोल्टेज 5 वोल्ट आ रहा था। अगर आप इन दोनों तारों को उल्टा कर दें, यानी कि आप इस वाले इनपुट पर ब्लू तार लगा दें और इस वाले इनपुट पर आप रेड तार लगा दें, तो फिर यहाँ पर -5 आ जाएगा। ठीक है, जो बेसिकली जो आपका डिस्प्ले ऊपर या नीचे आएगा ना, वो पोलैरिटी की वजह से आएगा, यानी कि इस पर डिपेंड करेगा कि आपने प्लस का वायर कहाँ लगाया हुआ है, माइनस का वायर कहाँ। ठीक है, तो अगर आपने एक तरह से तार लगाए हुए थे इनपुट में तो एक वोल्टेज आ रहा था, अगर आप तारों को उल्टा कर देंगे तो वोल्टेज नेगेटिव हो जाएगा। बाकी तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि अगर फर्ज करो कि यही लाइन अगर नीचे आ रही होती, ये लाइन अगर नीचे आ रही होती ना, तो इस लाइन को हम यहाँ पर फिर 5 वोल्ट, फिर हम क्या लिखते, इसको हम -5 वोल्ट लिखते, बस ये। ठीक है, जो वोल्टेज हमारे लिए ऊपर आएगा वो पॉजिटिव होगा और जो वोल्टेज हमारे लिए नीचे आएगा वो नेगेटिव, सिंपल है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई आपके मात भाई। अच्छा, अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम जरा बात करेंगे किसकी, अब हम जरा बात करेंगे एसी में। अब फर्स्ट करेंगे सीआरओ का डिस्प्ले, जे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाई मैंने पहले, अब ये सीआरओ का ग्रिड बना रहा हूँ, यानी कि ग्राफ बना रहा हूँ। तो भाई ये सीआरओ की स्क्रीन पर ग्राफ आ गया। ठीक है, सीआरओ की स्क्रीन में हमारा ग्राफ आ गया, हमने एसी इनपुट दिया है, क्योंकि हमने इसको एसी इनपुट दिया है तो अब होगा क्या, होगा कि हमें एक वेव नजर आनी चाहिए यहाँ पर, एसी इनपुट देने की वजह से वेव नजर आनी चाहिए। अब फर्ज करें कि ये वो वेव है जो कि हमें नजर आ रही है, ठीक है। अब देखिए जब सीआरओ को हम एसी इनपुट देते हैं तो आपको सीआरओ पर एक वेव नजर आती है, इस वेव को देखकर आप चार चीजें मालूम करते हैं। पहले पहले तो आप मालूम करते हैं पीरियड ऑफ वेव, दूसरा आप क्या मालूम करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, और तीसरी चीज आप क्या मालूम करते हैं, तीसरी चीज आप मालूम करते हैं वो होता है पीक वोल्टेज, इसी चीज क्या होती है पीक वोल्टेज। तो सीआरओ को जब आप एसी इनपुट देते हैं और इस एसी इनपुट के नतीजे में जो एक वेव बनती है डिस्प्ले पर, आप उस डिस्प्ले वाली वेव को देखकर आप तीन चीजें मालूम करने की कोशिश करते हैं, एक आप पीरियड ऑफ वेव मालूम करने की कोशिश करते हैं, एक आप जो फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव मालूम करने की कोशिश करते हैं, और एक जो है वो आप पीक वोल्टेज मालूम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये तीनों चीजें जो है किस तरह मालूम होंगी इसको समझें। सबसे पहले तो आप ये समझें
सीआरओ की जो एक्स एक्सिस है उस पर क्या चीज है? सीआरओ की जो एक्स एक्सिस है उस पर टाइम है, और सीआरओ की वाई एक्सिस पे क्या है? सीआरओ की वाई एक्सिस पे वोल्टेज है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझे कि सीआरओ की एक्स एक्सिस पे जो वो टाइम है और सीआरओ की वाई एक्सिस पे क्या है? वोल्टेज है। तो जब सीआरओ की डिस्प्ले पर एक वेव बनेगी इस तरह से करके, ठीक है, तो सीआरओ की स्क्रीन पर जब इस तरह से वेव बनेगी तो एक वेव जो है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक वेव है ना, तो एक वेव की जो लेंथ है ये क्या शो करेगी? ये पीरियड ऑफ वेव शो करेगी, टाइम पीरियड, क्योंकि एक्स एक्सिस पे टाइम है। तो एक्स एक्सिस पे आप कोई भी लेंथ नापेंगे तो वो लेंथ टाइम को शो करेगी। तो अगर आप सीआरओ की डिस्प्ले पर अगर आप एक वेव की लेंथ मालूम करोगे तो वो एक वेव की जो लेंथ है वो टाइम पीरियड ऑफ वेव को शो करेगी, नंबर वन। नंबर टू, ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से लेकर जो वेव की हाइट है, एक्स एक्सिस से ऊपर जो वेव की हाइट है, ये हाइट जो क्या कहलाती है? ये हाइट यहाँ पे कहलाएगी वीपी। और वीपी का मतलब क्या है? वीपी का मतलब यहाँ पर है पीक वोल्टेज। ठीक है, यानी कि सीआरओ की जो हाइट है, सॉरी जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले की जो हाइट है, इस हाइट को आप क्या कहते हैं? पीक वोल्टेज कहते हैं। अभी पीक वोल्टेज जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे भी होता है। पीक वोल्टेज जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे भी होता है, यानी अगर फर्स्ट में ऊपर ये दो डिवीजन है तो नीचे सेंटर से लेकर नीचे तक भी कितना होगा? दो डिवीजन। इसके अलावा ये जो आपका सीआरओ का जो आपने टाइम निकाला है, इस टाइम का अगर आप रेसिप पकड़ ले लें, यानी कि वन अपॉन पीरियड, तो फिर चीज क्या बन जाती है? चीज बन जाती है फ्रीक्वेंसी। यानी कि सीआरओ के डिस्प्ले पे जो वेव बन रही है, अगर इस वेव की एक वेव की लेंथ निकालें तो टाइम पीरियड है, पीरियड ऑफ वेव है। उस पीरियड ऑफ वेव का अगर आप रेसिप्रोकल ले लें, यानी कि उसको वन अपॉन कर लें, तो पीरियड ऑफ वेव का जो रेसिप्रोकल होता है, यानी वन अपॉन टाइम पीरियड जो होता है, वो किसको शो करता है? वो आपकी फ्रीक्वेंसी को शो करता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो होती है उसकी यूनिट होती है हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी जो होती है उसकी यूनिट क्या होती है बेचारे की? हर्ट्स होती है। यानी उसके लिए जरूरी है कि टाइम किस में हो? टाइम सेकेंड्स में होना चाहिए। तो अगर आप पीरियड ऑफ वेव सेकेंड्स में लेंगे तो फिर फ्रीक्वेंसी आपकी किस में आएगी? फिर आपकी फ्रीक्वेंसी जो वो हर्ट्स में आएगी। तो तीन चीज आपको मालूम करनी होती है। पहले आप डिस्प्ले देख के पीक वोल्टेज मालूम करेंगे। अब डिस्प्ले देखकर आप पीक वोल्टेज कैसे मालूम करेंगे? डिस्प्ले देखकर आप पीक वोल्टेज ऐसे मालूम करेंगे कि जो आपकी जो आपका हाईएस्ट पॉइंट है वो सेंटर वाली लाइन से, यानी एक्स एक्सिस से कितना डिवीजन ऊपर है, ये जो आपका लोएस्ट पॉइंट है वो सेंटर वाली डिवीजन से कितना नीचे। तो आपका हाईएस्ट पॉइंट सेंटर वाली लाइन से जितना ऊपर होगा या सेंटर वाली लाइन से जितना नीचे होगा लोएस्ट पॉइंट, वो आपका पीक वोल्टेज होगा। और एक एक वेव की जो लेंथ होगी वो आपका पीरियड ऑफ वेव होगी। और पीरियड ऑफ वेव को अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करें और फिर उसका वन अपॉन कर लें, यानी उसका रेसिप्रोकल निकाल लें, तो फिर वन अपॉन टाइम पीरियड, यानी कि टाइम पीरियड का पीरियड ऑफ वेव का रेसिप्रोकल जो है वो क्या कहलाता है? रेसिप्रोकल उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। लेकिन उसके शर्त यह है कि पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ वेव को टाइम पीरियड ऑफ वेव को पहले आप सेकंड्स में कन्वर्ट करें, फिर उसके बाद आप उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो फिर जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी। अच्छा, पीक वोल्टेज के हवाले से एक बात मैं और बता दूँ। अब मैं ये बता दूं कि पीक वोल्टेज में एक मसला ये भी होता है कभी कभी कि जितनी वेव ऊपर होती है उतनी वेव नीचे नहीं होती। मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि आपको एक वेव मिली यूं करके ऐसे, तो आप देख सकते हैं कि वेव सेंटर से जितना ऊपर है वेव सेंटर से उतना नीचे नहीं। तो मैंने तो आपसे कहा था कि जो पीक वोल्टेज होता है वो जितना सेंटर से ऊपर होता है उतना ही सेंटर से नीचे भी होता है। ये दोनों पीक वोल्टेज तो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये जो वैल्यू है ये आपका पीक वोल्टेज नहीं है, और ये जो वैल्यू है ये भी आपका पीक वोल्टेज नहीं है। तो पीक वोल्टेज आएगा कैसे? ये पीक वोल्टेज ऐसा आएगा कि फर्स्ट करें कि ये जो है ये आपका है 5, और फर्स्ट करें नेगेटिव में, यानी कि नीचे जो है फर्स्ट करें नेगेटिव में, नीचे जो है ना आपका ये है 1, यानी कि -1। तो 5 वोल्टेज आपका ऊपर आ रहा है और 1 वोल्टेज आपका नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर जो पीक वोल्टेज आपको मालूम करना होगा ना, उसको मालूम करने का तरीका ये होगा कि आप जो है ना वो इन दोनों का टोटल कर लें, यानी कि आप ये देखें कि ऊपर से लेकर और नीचे तक कितनी लेंथ है। तो देखें ऊपर से लेकर नीचे तक लेंथ बनेगी 6, ठीक है ना। टॉप से लेकर बॉटम तक जो टोटल लेंथ कितनी बनेगी वो 6 बनेगी ना, 5 से लेकर -1 तक। और टोटल हाइट को आप डिवाइड बाई 2 कर दें तो आंसर क्या आएगा? 3 वोल्ट। तो ये आपका पीक वोल्टेज हो जाएगा। यानी कि मैंने आपको पीक वोल्टेज निकालना कैसे बताया कि आप जब वेव बनेगी या फिर डिस्प्ले आएगा जब सीआरओ पर वेव का, तो सेंटर से यानी कि एक्स एक्सिस से जितना ऊपर होगा या जितना नीचे होगा वो आपका पीक वोल्टेज होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो वेव होती है वो जो है ना मतलब
सेंटर से आधी ऊपर आधी नीचे नहीं होती, समटाइम ये होता है कि सेंटर से ऊपर ज्यादा होती है वेव और सेंटर से कम नीचे होती है, या ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात कि वेव जो होती है वो सारी की सारी सेंटर से ऊपर हो, या कभी कभी ऐसे भी सकता है कि सारी की सारी वेव जो सेंटर से नीचे हो। तो जब कभी भी जो वेव आपकी जो है वो मतलब कहना चाहिए कि वो जो है वो सेंटर से ऊपर और नीचे जो है वो अगर फर्ज करें कि एक जैसी नहीं है, सिमिलर नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये करते हैं कि हम टोटल हाइट मालूम करते हैं फ्रॉम टॉप टू पीक, पीक टू बॉटम, यानी कि वेव के टॉप से लेकर वेव के बॉटम तक की हम टोटल हाइट मालूम करते हैं और फिर टोटल हाइट को हम डिवाइड बाई टू कर देते हैं। जब उस टोटल हाइट को हम डिवाइड बाई टू करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका पीक वोल्टेज जो है वो फिर निकल आता है, ठीक है, फिर ऑटोमेटिकली आपका पीक वोल्टेज जो वो निकल आता है, ठीक है जी। अदरवाइज की थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखते हैं। मिसाल तो आप एक क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपका एक्स और वाई एक्सिस हो गया, मैं ग्रिड बना रहा हूँ, देखिए आपको एक डिस्प्ले नजर आ रहा है, तो आपका जो नॉब सेट हुई है, जो तो आपका टाइम बेस सेट हुआ हुआ है, किस तरह से सेट हुआ हुआ है, आपका टाइम बेस आ रहा है मिली सेकंड पर डिवीजन में होता है नॉर्मली, आपका टाइम बेस सेट हुआ हुआ है 2 पे, ठीक है, टाइम बेस किस पे सेट हुआ हुआ है, 2 पे सेट हुआ हुआ है, और आपका जो वाई गेन है वो किस पे सेट हुआ हुआ है, फर्स्ट टाइम आपका वाई गेन सेट हुआ हुआ है वोल्ट पर डिवीजन, अब वाई गेन आपका सेट हुआ हुआ है 5, ठीक है। अब यहाँ पर आपको तीन चीजें मालूम करनी है, सबसे पहले आपको पीरियड ऑफ वेव मालूम करनी है, कि जो तो ऑल्टरनेटिंग करंट की जो वेव बन रही है उसका पीरियड कितना है, कैपिटल टी, उसका पीरियड मालूम करने का मतलब ये कि अब ये मालूम करें कि इस डिस्प्ले पर एक वेव की लेंथ कितनी है, ठीक है, अब ये मालूम करें कि इस डिस्प्ले पर जो है वो एक वेव की लेंथ, तो डिस्प्ले पे जो वेव की लेंथ आ रही है वो फर्ज करें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी वेव आ रही है, तो अभी देखें कि ये जो पूरी वेव आ रही है इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ जो है वो है 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन एंड 4 डिवीजन, तो जो आपको यहाँ पर पीरियड आ रहा है वो 4 डिवीजन के बराबर आ रहा है। अब ये 4 डिवीजन कितने टाइम को शो करेंगी इसके लिए आपको टाइम बेस को देखना पड़ेगा, टाइम बेस ये कहता है कि हॉरिजॉन्टली एक डिवीजन जो है वो 2 मिली सेकेंड के बराबर है, टाइम बेस ये कहता है कि हॉरिजॉन्टली एक डिवीजन जो है वो 2 मिली सेकेंड के बराबर है, तो आप इस 4 डिवीजन को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, आप इस 4 डिवीजन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 8 मिली सेकेंड, यानी कि अभी जो आपका यहाँ पर पीरियड ऑफ वेव है यानी कि एक वेव की जो लेंथ है वो किसको शो कर रही है, वो 8 मिली सेकेंड को शो कर रही है। तो देखिए आपकी जो एक वेव की लेंथ आ रही है वो 4 डिवीजन के बराबर आ रही है, और आपकी एक डिवीजन जो है, आपकी जो एक डिवीजन है वो शो कर रही है 2 मिली सेकेंड को, अब आपकी एक डिवीजन जो 2 मिली सेकेंड को शो कर रही है कैसे पता चला, आपकी एक डिवीजन 2 मिली सेकेंड को शो कर रही है ऐसे पता चला तो टाइम बेस पर जो स्केल सेट हुआ हुआ है वो इस तरह से सेट हुआ हुआ है कि एक डिवीजन जो है 2 मिली सेकेंड की है, 2 मिली सेकेंड पर डिवीजन, जो आपका टाइम पीरियड हुआ वो 8 मिली सेकेंड का हो गया, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपको फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है तो फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड के बराबर होती है, लेकिन शर्त यह है कि टाइम पीरियड किस में होना चाहिए, सेकंड में, तो फिर आपकी फ्रीक्वेंसी किस में आएगी, फिर आपकी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में आएगी। तो आपने जो पीरियड निकाला है, जो आपने टाइम पीरियड निकाला है वो मिली सेकंड में निकाला है, ठीक है, अब इसी को अगर सेकंड में चेंज करना हो तो मिली सेकंड को सेकंड में चेंज करने के लिए हम डिवाइड बाई 1000 करते हैं, इसी को अगर आपको मिली सेकंड से सेकंड में चेंज करना हो तो मिली सेकंड को सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई 1000 करते हैं, इसको हम डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो हो जाएगा 0.008 सेकेंड्स, समझ
में डिवाइड बाय 1000 किया तो हो गया 0.008 सेकंड हो गया। अब आप फ्रीक्वेंसी जब मालूम करेंगे हर्ट्ज में, फ्रीक्वेंसी जो उसके हर्ट्ज में आएगी वो आएगी 1/0.008, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करके देखें तो मेरे ख्याल से इसका आंसर 125 आना चाहिए। चेक करके बताएं मुझे आप, फ्रीक्वेंसी जो 125 हर्ट्ज आ रही है नहीं आ रही? 1/0.008 करके देखें आंसर क्या आ रहा है। 1/0.008 करके देखें आंसर 125 हर्ट्ज आना चाहिए आपको। अब देखें 125 ही आंसर आ रहा है। ऑलराइट, 125 वर्ड्स आपकी फ्रीक्वेंसी का आंसर हो गया। अब आ जाएं आप किसके बाद, अब आ जाएं आप पीक वोल्टेज पे। पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज मतलब ये होता है कि सेंटर से पीक कितनी ऊपर है या सेंटर से जो है वो बॉटम कितना नीचे है, ठीक है। पीक वोल्टेज मतलब है कि सेंटर से पीक कितनी ऊपर है या सेंटर से जो है वो बॉटम कितना नीचे है। लेकिन सेंटर से जो है वो पीक 2 डिवीजन ऊपर है या 2 डिवीजन नीचे, तो आपका पीक वोल्टेज बेसिकली 2 डिवीजन का हुआ। और वर्टिकली आपके डिवीजन किसके बराबर है? वर्टिकली आपके डिवीजन 5 वोल्ट के बराबर है। तो आप 2 डिवीजन को मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आपका पीक वोल्टेज कितना हो गया? 10 वोल्ट, ठीक है। बात समझ में आ गई सब लोग के? तो अगर बात सब लोग की समझ में आ गई है तो बस फिर आज हम यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास जो आपकी कॉलेज में होगी इंशाल्लाह ताला, उसमें इसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूंगा और फिर एक वर्कशीट जो है आपको क्लास में सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो बाकी बात फिर इंशाल्लाह ताला हम कल क्लास में करते हैं, ठीक है। तो कल कॉलेज में मिलते हैं और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, उसकी मैं आपको कुछ वर्कशीट भी सॉल्व करवाऊंगा इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।